वेलकम बैक फ्रेंड्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि दो पार्ट में आपको मिला होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक, तो दोनों पार्ट आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर वॉच कर लें। और आज के सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, उनमें एरर डिटेक्ट करेंगे और वहाँ पर उसे कैसे सही किया जा सकता है, ये सारी बातें जानेंगे। और इसमें आप इन्हें जब सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि जो भी रूल्स आपको बताए गए थे वो अगर आपने पढ़े हैं तो वहाँ से पूरी हेल्प मिलेगी यहाँ पर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या तैयारी है, आपने कितना मन से उस जो दोनों पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अपलोड किए गए हैं उन्हें कितना मन से देखा है और कितना अच्छे से समझा है। चलिए पहुँचते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। चलिए देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए इसे। 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे। देखिए पहली बात तो यहाँ पर है अ लॉन्ग वे, अगर 20 माइल्स के बाद में आर आएगा, 20 माइल्स को बहुत सारी यानी प्लूरल में समझेंगे तो ए तो आ नहीं सकता, ए आर्टिकल तो आएगा नहीं। यहाँ पर जो 20 माइल्स है, आपको एक नियम बताया था, एक रूल बताया था, उसमें बताया था कि जब 20 माइल्स हो या दूरी हो या ऐसे कुछ शब्द होते हैं या इसे स्ट्रक्चर कह सकते हैं। वैसे तो 20 माइल्स प्लूरल दिखता ही है कि 20 मील की बात हो रही है तो एक से तो ज़्यादा ही प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर ये एक यूनिट के रूप में यूज हो रहा है। तो 20 माइल्स आर ना हो करके यहाँ पे क्या होगा, 20 माइल्स इज क्या होगा, एक निश्चित दूरी की बात हो रही है, सर्टेन डिस्टेंस की बात हो रही है। तो 20 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, इसका मतलब ये है कि 20 मील की जो दूरी है, 20 मील की जो दूरी है, दूरी ठीक है, इज अ लॉन्ग वॉक, एक लंबी दूरी है यानी अच्छी खासी दूरी है टू वॉक, पैदल चलने के लिए। तो यहाँ पे 20 माइल्स को हम एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट मान करके 20 मील की दूरी को ये अपना सब्जेक्ट समझ करके हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलर वर्ब यानी इज का यूज करेंगे, फिर ये सेंटेंस हो जाएगा सही। यानी क्या होगा, 20 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। क्लियर, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। Neither my wife nor my brother-in-law were able to help me in my work. ना तो मेरी बीवी और nor my brother-in-law, ना ही मेरा साला या जो भी है, ब्रदर इन लॉ के सेंस में आप जो भी समझे, वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क, मतलब ये लोग एबल नहीं थे हमारी हेल्प करने में, मेरे काम में। तो यहाँ पे देखो क्या है, नाइदर माई वाइफ, आपको बताया गया था कि जब कभी भी आपके सेंटेंस में नाइदर और नॉर का यूज हो रहा हो तो नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट होता है और नॉर के बाद होता है। तो यहाँ पर जो ये रूल कहता है कि नाइदर नॉर, आपने नियम पढ़ा होगा, नाइदर नॉर, आइदर आर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है इसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। और ब्रदर इन लॉ यहाँ पे सिंगुलर दिया गया है, ठीक, इसे तो छोड़ ही देते हैं, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। नॉर के बाद में जो है ब्रदर इन लॉ, यानी ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यानी यहाँ पे वर ना होकर के क्या आएगा, माई वाइफ, नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वॉज एबल टू हेल्प मी, वॉज एबल टू हेल्प मी, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा वाज, तब ये सेंटेंस हो जाएगा सही। यानी किस पार्ट में एरर थी, पार्ट नंबर 3 में। इज इट क्लियर, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। इफ माई फादर अप्रूव्स, अब देखो इफ माई फादर है, ये एक तरीके कंडीशनल सेंटेंस हम कह सकते हैं, जब दोनों सेंटेंस का सेंस
फ्यूचर में जा रहा हूँ कि अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। तो ऐसे सेंटेंस दोनों हिंदी के हिसाब से देखें तो दोनों ही फ्यूचर में होते हैं, फ्यूचर जैसा सेंस देते हैं, ठीक। लेकिन दोनों को फ्यूचर में बना नहीं सकते, इसलिए इस स्ट्रक्चर को जो जिसके साथ कंडीशन जुड़ी होती है, जैसे इफ जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कंडीशन हो जाती है, तो इस सेंटेंस को बना देते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट। क्या बना देते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट, और बाद वाले को फ्यूचर बना रहने देते हैं। आई विल गो, यानी ये देखो फ्यूचर इनडेफिनिट का है, ठीक, फ्यूचर इनडेफिनिट का। तो ये बात आपको पता है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट का अगर होता है तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर सेंस में आनी चाहिए। यानी इफ माई फादर, माई फादर सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इफ माई फादर है तो यहाँ पे अप्रूव ना होकर के अप्रूव में लगा होना चाहिए यस। यानी इफ माई फादर अप्रूव्स, अगर मेरे पिताजी अप्रूव करते हैं, अलाउ करते हैं, आई विल गो टू मुंबई, तो मैं मुंबई जाऊंगा, ठीक। और इसका लिटरल जो सेंस है वो ये है कि अगर मेरे पिताजी अप्रूव करेंगे तो मैं मुंबई जाऊंगा, क्लियर। तो इफ माई फादर अप्रूव्स, लेकिन इंग्लिश के सेंस में, इंग्लिश जब इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे तो पहला जिससे कंडीशन जुड़ी है इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे और अगले वाले को फ्यूचर में बना के रखेंगे, ठीक। ये समझ के चलना, इफ माई फादर अप्रूव्स, तो यहाँ पे अप्रूव में एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी वर्ब सिंगुलर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसमें एरर थी पार्ट नंबर टू में, ठीक, पार्ट नंबर टू। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नाइदर इंडिया, देखो फिर से वही नाइदर और नॉर वाला, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान, तो नाइदर और नॉर के बाद में सब्जेक्ट होता है, नाइदर के बाद इंडिया है, नॉर के बाद पाकिस्तान। लेकिन नियम ये कहता है कि नाइदर नॉर, आइदर आर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे जब स्ट्रक्चर आपको मिले तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाद वाला सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और इसमें नॉर के बाद आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें हैव का यूज करना ही नहीं है, हैव हो जाएगा गलत, और हमारा सेंटेंस जब सही होगा जब हम इसे हैज करेंगे, क्लियर। तो अब पढ़ के देख लेते हैं। नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैज एट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक, ना ही इंडिया ना ही पाकिस्तान अभी तक एक्वायर कर पाए हैं कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन बनाने की। ये क्वेश्चन पुराना है, पुराने किसी एग्जाम में पूछा गया है तब ये ऐसा क्वेश्चन रहा होगा। वैसे तो अब दोनों ही कैपेबल है न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन्स में, ठीक। तो हमें समझना था अपना सेंटेंस, तो नॉर्थ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। यू एंड आई हैज नॉन ईच अदर, देखो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको बताया था जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज हो तो हमें वहां पे कौन से प्रोनाउन को पहले लाना, कौन से बाद लाना, और उसके साथ वर्ब क्या रहेगी, ऐसा एक रूल आपको बहुत जरूरी वाला बताया गया था, तो वहीं से संबंधित इसमें कोई एरर हो सकती है। यू एंड आई, यहाँ पे पहली बात तो एक वही नियम है 231 वाला, जब गुड सेंस में हो तो हमें 231 का रूल लगाना पड़ता है, 231 वाला। नॉन ईच अदर फॉर लास्ट 6 ईयर्स, पिछले 6 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंस तो अच्छा ही है, इसमें कुछ गलत बात तो है नहीं, सेंस अच्छा है, तो 231 का फॉर्मूला लगेगा। अगर सेंस गलत है, सेंस अच्छा नहीं है, सेंस नेगेटिविटी है सेंस में, तो 1 2 3 वाला फॉर्मूला लगता था, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगेगा, 231 वाला, 231 के हिसाब से ये सेंटेंस हमें लग रहा सही है। यू एंड आई है, यू सेकेंड पर्सन है, और यू सेकेंड पर्सन है और आई कैसा है, फर्स्ट पर्सन है। तो जब थ्री वाला, जब थर्ड पर्सन दिया ही नहीं गया है, थर्ड पर्सन जब दिया ही नहीं गया तो पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन, इसी तरीके से यहाँ पे हो भी रहा है, यू आया उसके बाद आई आया, तो ये इस बात तो सही है, यू एंड आई। अब ये दोनों दो दो व्यक्ति हो गए ना, तो दो जब हो गए तो अब प्लूरल हो गए, प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो हैज यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि हैज प्लूरल अभी तक बन ही नहीं पाया, इसके लिए जो प्लूरल शब्द है वो है हैव लगाओ और सेंटेंस सही बनाओ, ठीक। यू एंड आई हैव नॉन ईच अदर
आप और मैं जानता हूँ एक दूसरे को, इच अदर का मतलब एक दूसरे को, फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। क्लियर? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। सारे रूल्स आपको पढ़े हुए मिल रहे हैं कि नहीं? अगर आपने नहीं पढ़ा है, अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं वो दोनों, पार्ट वन पार्ट टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो जरूर जाओ पहले उन वीडियोज को देखो, फिर इस क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करो, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर। देखो क्या है, माई फादर, माई फादर देखो सही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, यहाँ तक सही। हैज नॉट हर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बन रहा हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर, फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर एब्रॉड। अब देखो, फ्रॉम माई यंगर ब्रदर, मेरे पिताजी ने, नॉट हर्ड का मतलब है बात नहीं हुई, सुना नहीं, मतलब एक दूसरे की बात नहीं हुई यंगर ब्रदर से। हु आर एब्रॉड, अब कौन एब्रॉड है? यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर ही तो एब्रॉड में है, विदेश में है, इसीलिए तो फादर की बात नहीं हो पाई है। ठीक है, तो यंगर ब्रदर, और यंगर ब्रदर के लिए हु आ रहा है, तो नियम आपको ये भी पता होना चाहिए कि हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए काम करता है, यहाँ पे हु के हिसाब से इज या आर या एम नहीं आएगा, हु जिसके लिए काम करता है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। अब हु काम कर रहा है यहाँ पर यंगर ब्रदर के लिए, यंगर ब्रदर है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आए, तो आर तो आ ही नहीं सकता, तो यंगर ब्रदर हु इज, क्या आएगा यहाँ पे, हु इज लगाओ और सेंटेंस सही हो जाएगा। माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु इज एब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ, जो 1 महीने से ज्यादा समय से बाहर है, विदेश में है, ठीक, उससे बात नहीं हुई मेरे पिताजी की, ये सेंस है यहाँ पे, तो आर गलत है, आर हटाएंगे और इज का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, ही हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक। सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो हमारी वर्ब क्यों नहीं सिंगुलर है, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत है। ही हैव हो ही नहीं सकता, ही तो सिंगुलर है ना, तो ही के लिए हैज लगाओ। ही हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम कर रहा है, इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में, फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, पिछले कई महीनों से। ठीक, तो ही हैज बता दीजिए इसे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, पार्ट वन में ही एरर थी इसके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन। द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ, अरेबियन नाइट्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं फॉर यंग रीडर्स, जो अभी नए रीडर्स हैं उनके लिए। अब देखो क्या होता है, द अरेबियन नाइट्स है, और नाइट में जब यस लगा इसका मतलब हम इसे समझ लेते हैं प्लूरल, और प्लूरल समझ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो वर्ब दी है ये बिल्कुल सही होगी, लेकिन यह है गलत, यहाँ पे हैव का यूज हो ही नहीं सकता। ठीक, हैव का यूज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अरेबियन नाइट्स प्लूरल है ही नहीं, अरेबियन नाइट है एक बुक का नाम। ठीक, अरेबियन नाइट्स जो है एक बुक का नाम है, तो ये सिंगुलर है, इसे ये एक चीज है, इसे सिंगुलर मानेंगे, ये सिंगुलर है, तो अरेबियन नाइट्स के साथ में हैव ना आकर के यहाँ पे आएगा हैज, अरेबियन नाइट्स हैज लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स, मतलब अरेबियन नाइट्स जो बुक है उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। ठीक, तो अरेबियन नाइट्स के बाद में हैज का यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी मैन वीमेन एंड चाइल्ड, एवरी मैन वीमेन एंड चाइल्ड आर नाउ। आपको बताया गया था, एक नियम बताया गया था, जब कभी ऐसे नाउन या प्रोनाउन के साथ एवरी, ईच या एवरी शब्द दिया गया हो, चाहे इस तरीके से दिया गया हो, चाहे ऐसे दिया गया होता, एवरी मैन एवरी वुमेन एंड एवरी चाइल्ड, ईच मैन ईच वुमेन एंड ईच चाइल्ड, या ऐसे दिया हो ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड, यानी एवरी का यूज चाहे हम हर किसी के साथ लगाएं या केवल एक के साथ लगा लिया और ये सभी के लिए ऐसे कॉमन हो गया, फिर इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल नहीं आएगी, वो आएगी सिंगुलर, तो इसका सेंस क्या है, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज, अब हिंदी में समझो इसका अर्थ, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक
प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चा इज नाउ अवेयर ऑफ, सभी अवेयर हैं द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, जो स्मोकिंग के जो टेरिबल कॉन्सिक्वेंस है, जो बहुत भयावह परिणाम है, उनसे हर कोई अवेयर है। ठीक, तो इसका सेंस ये है, हर कोई अवेयर है। अगर अवेयर है तो यहाँ पे एवरी मैन वेमेन एंड चाइल्ड इज का यूज होगा, ना कि आर का। यानी पार्ट टू में एरर थी, पार्ट टू में एरर थी इसमें। ठीक, इज का यूज करो और सेंटेंस सही कर जाओ। मीटलेस डिश हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म, जिस तरीके से आपकी जो अरेबियन नाइट्स थी उसी वही वाली एरर यहाँ पे है। मीटलेस डेज जो है, ये डेज का मतलब यहाँ पे प्लूरल नहीं है, हैव बीन मेड, यहाँ पे आएगा क्या, हैज बीन मेड इनटू अ फिल्म। मीटलेस डेज पे एक फिल्म बना दी गई, यानी मीटलेस डेज को अब एक फिल्म बना दिया गया है। तो मीटलेस डेज कोई वर्क होगा, कोई बुक हो सकती है, कोई उपन्यास हो सकता है, तो इस हिसाब से सिंगुलर ही तो होगा, तो इसके लिए हैज यानी सिंगुलर वर्ब, ना कि हैव। मीटलेस डेज हैज बीन मेड इनटू अ फिल्म। क्लियर है बात? यानी इसमें किस पार्ट में एरर थी, इसमें भी पार्ट नंबर टू में एरर थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। स्वीप्स गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव बीन रेड बाई मी सेवरल टाइम्स। देखो उसी टाइप की फिर से तीसरे क्वेश्चन में एरर रिपीट की गई। स्विफ्ट एक राइटर थे इंग्लिश लिटरेचर में, जोनाथन स्विफ्ट जिनका पूरा नाम है, और इन्होंने एक वर्क लिखा था गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स इन्होंने लिखा था। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स जब एक बुक का नाम है तो हैव फिर से यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स हैज बीन रेड बाई मी। गुलिवर ट्रेवल्स को हमने बहुत बार पढ़ा है, यानी सेवरल टाइम्स मैं पढ़ चुका हूँ उसे। बात क्लियर हो गई? पार्ट टू में एरर हो जाएगी इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट है नाइदर ही नॉर हिज फादर। देखो नाइदर नॉर वाला स्ट्रक्चर आ गया, बहुत मजेदार स्ट्रक्चर अब तो आपको लगना लगा होगा। नाइदर के बाद में नाइदर देखो है, नाइदर के बाद ही आया। इसी तरीके से जो नॉर है, नॉर के बाद हिज फादर है। और आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो नॉर के बाद आया इसके अकॉर्डिंग वर्ब रहेगी यहाँ पर। तो नाइदर ही नॉर हिज फादर इज, ये भी बात सही है, फादर हिज फादर के हिसाब से इज भी बहुत अच्छा है, एकदम सही है। इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी, तो अभी तक तो इसमें इज भी है सही, इंटरेस्टेड भी सही है, इन ज्वाइनिंग द पार्टी भी सही है। तो नाइदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, यानी नो एरर। पार्ट फाइव यानी इसका फाइव जो है आंसर हो जाएगा, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, ये पूरी तरह से सही है 100%। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। चिल्ड्रेन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स, बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं चॉकलेट्स खाना, रादर देन स्वीट्स मिठाइयों की अपेक्षा। ठीक, रादर देन स्वीट्स मिठाइयों की अपेक्षा चॉकलेट खाना बहुत पसंद करते हैं बच्चे। और बच्चे अगर पसंद करते हैं तो बच्चे लाइक्स नहीं करेंगे, चिल्ड्रन लाइक करेंगे। क्या करेंगे? लाइक्स तो होता है चाइल्ड लाइक, मोहन लाइक्स, यू लाइक होता है, ही लाइक्स, शी लाइक्स, यानी जो सिंगुलर है उनके साथ में लाइक्स आएगा ना, एस वाला जो स्ट्रक्चर आएगा। चिल्ड्रन तो प्लूरल शब्द है, तो प्लूरल शब्द के साथ प्लूरल वर्ब, और वर्ब को प्लूरल का ऐसे बनाते हैं एस हटा करके, एस हटा दो यहाँ से, तो अब क्या हो जाएगा, अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट्स। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो इसका पार्ट दो सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, देखो स्ट्रक्चर क्या है इसमें, कंडीशनल सेंटेंस जैसा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे। ठीक, तो अनलेस यू अगर दिया है तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब भी तो लाओ। यू के साथ में सिंगुलर वर्ब कैसे आ जाएगी, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। यू वर्क, वर्क्स नहीं, ठीक, ही वर्क्स, अनलेस ही होता यहाँ पर तो वर्क्स सही हो जाता। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अनलेस मोहन वर्क्स हार्ड, अनलेस राधिका वर्क्स हार्ड, ये स्ट्रक्चर होते तो वर्क्स आता, लेकिन अनलेस यू दिया है, अनलेस यू दिया यानी यू प्लूरल, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब लाओगे, नहीं तो इनका सब्जेक्ट और वर्ब का झगड़ा होता ही रहेगा, बनेगी नहीं बात। तो अनलेस यू वर्क हार्ड कर दो, इसे वर्क्स में से एस हटा दीजिए, अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक,
अनलेस यू वर्क हार्ड, अब ये आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम कंप्लीट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। द क्लाइमेट, इस जगह की जो क्लाइमेट है ना, जलवायु, डू नॉट सूट मी, ये मुझे जो है सूट नहीं करती। तो क्लाइमेट यहाँ पे, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, क्लाइमेट की बात हो रही, क्लाइमेट सब्जेक्ट है यहाँ पे। अब जब क्लाइमेट सब्जेक्ट है तो क्लाइमेट सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और देखो यहाँ पे वर्ब कहाँ है, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, यहाँ तक तो वर्ब ही नहीं, यहाँ पे वर्ब है डू नॉट। और क्लाइमेट सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए डू क्यों लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे, ही डज नॉट, सी डज नॉट, यू डू नॉट होता है, दे डू नॉट होता है। तो इसी तरीके से द क्लाइमेट सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा डू की जगह पे क्या आएगा, डज। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज नॉट, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज नॉट सूट मी, मतलब यहाँ की जलवायु हमें सूट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर अलॉन्ग विथ द स्टाफ मेंबर्स, द डायरेक्टर अलॉन्ग विथ द स्टाफ मेंबर्स वर प्रेजेंटेड फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। डायरेक्टर था अलॉन्ग विथ द स्टाफ मेंबर्स, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ प्रेजेंट था कहाँ पे, एनुअल फंक्शन में, एनुअल डे सेलिब्रेशन में। तो आपको एक नियम बताया गया था कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में, इसी के साथ मैं आपको बताया था एज वेल एज आई, एज वेल एज हो, ठीक, विथ हो, अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो, ठीक। तो ऐसा जब कभी दिया हो तो इसके साथ जो इनसे पहले सब्जेक्ट आता है, इनसे पहले जो सब्जेक्ट आता है, इन शब्दों से पहले, उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन, वही सब्जेक्ट मेन समझा जाता है और उसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो द डायरेक्टर है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, द डायरेक्टर अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ के पहले, विथ के पहले, टुगेदर विथ के पहले, इसी तरह एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर और पर्सन, यानी नंबर का मतलब अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। द डायरेक्टर हमारा सिंगुलर है, ये बात कन्फर्म है हमें, तो वर्ब इसके लिए सिंगुलर ही आएगी, द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स। अब आप ये देख के कन्फ्यूज मत हो जाए कि यहाँ पे द स्टाफ मेंबर्स भी तो उसके साथ में है, लेकिन डायरेक्टर आया, डायरेक्टर मेन है, उसके बाद में जो स्टाफ आया, उसके साथ में जो स्टाफ आया उसकी बात ही नहीं हो रही है, डायरेक्टर उपस्थित था वहां पे। देखो सेंस क्या निकल रहा है, द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स वाज प्रेजेंट, जो डायरेक्टर था वो उपस्थित था अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाज, यानी पार्ट थ्री में एरर है, पार्ट थ्री को सही कर लो, पार्ट थ्री आपका आंसर हो जाएगा, द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स वाज प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू फॉलोज माई इंस्ट्रक्शन, इफ यू फॉलोज माई इंस्ट्रक्शन, अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, यू विल गेट अ सुइटेबल रिवार्ड फॉर दैट, तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा रिवार्ड भी मिलेगा। तो इफ यू हो गया, अगर इफ यू है तो यू सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट जैसा वर्ब वैसी, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, यू प्लूरल तो यू के साथ आने वाली वर्ब प्लूरल, और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस को विदा करना पड़ता है, एस हटा दीजिए यहाँ पे। इफ यू फॉलो क्या करना पड़ेगा, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, इफ यू फॉलोज नहीं, फॉलोज गलत हो जाएगा, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन यू विल गेट अ सुइटेबल रिवार्ड फॉर दैट, क्लियर है यहाँ तक। तो इफ यू फॉलो यानी पार्ट वन में एरर थी। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स, रमन वाज वन ऑफ वाला स्ट्रक्चर आपको बताया था, ध्यान कीजिएगा, रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्नड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज। रमन एक जो वैज्ञानिक थे, शायद उनके लिए बात की गई है इस सेंटेंस में, कि जो रमन थे वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स, उन महान बेटों में से एक थे, भारत के उन महान बेटों में से एक थे। अब किन महान बेटों में से एक थे वो बात आगे लिखिए, हु के बाद में, हु, अब दोज, रमन कौन थे, रमन बाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, उन महान बेटों में से, भारत के उन महान बेटों में से एक थे, उन महान बेटों में से, किन महान बेटों में से आगे बताया गया, यानी उन महान बेटों प्लूरल है,
और उस प्लूरल के लिए हु का यूज किया गया है हु। अब इसके बाद जो वर्ब यूज होगी तो वो प्लूरल ही होनी चाहिए, तो हु के बाद हैज नहीं आना चाहिए, हु के बाद आएगा हैव, और तभी ये सेंटेंस खुश हो पाएगा आपसे। ठीक, रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैव अर्नड एवर लास्टिंग फेम, जिन्होंने एवर लास्टिंग फेम हासिल की। किन बेटों में से एक थे? जिन बेटों ने एवरलास्टिंग फेम हासिल की, तो उनके लिए हैव लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे। ठीक, तो इंडिया हु हैव अर्नड, रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैव अर्नड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज। क्लियर है बात? तो पार्ट थ्री में एरर थी, सही कर लीजिए। अगला, इफ आई वाज इन हर शूज, इफ आई वाज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विथ शेम। इन हर शूज का मतलब है उसकी जगह पर होता, अगर मैं उसकी जगह पे होता, तो अगर मैं उसकी जगह पे होता तो ऐसे सेंटेंस होते हैं सपोजिशनल। कैसे होते हैं? सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, और इनमें वाज नहीं लगाते, इफ आई वर का यूज करते हैं। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। If I were there, अगर मैं वहां पर होता। If I were in place of you, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता। If I were in her shoes, अगर मैं उसकी जगह पे होता। ठीक, in her shoes का मतलब भी होता है उसकी जगह पर होता। If I was in her shoes, I would have died with shame, तो मैं शर्म से मर गया होता। ये सेंस है इस सेंटेंस का। तो if I was नहीं होगा, if I were होगा, क्योंकि वो है नहीं, सोच रहा है अगर होता। और होता का मतलब जो एकदम कल्पना है, कोरी कल्पना जिसे हम कह सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम वर के साथ बनाते हैं। इफ आई वर इन हर शूज, अगर मैं उसकी जगह पे होता, आई वुड हैव डाइड विद शेम। क्लियर? बढ़िए आगे क्वेश्चन पर। माय फादर इन लॉ हु लिव, बात सही है, माय फादर इन लॉ, माय फादर इन लॉ के लिए हु यूज हुआ है, तो हु के बाद जो वर्ब आएगी वो फादर इन लॉ ही डिसाइड करेंगे कौन सी वर्ब आएगी। फादर इन लॉ सिंगुलर है, अगर फादर इन लॉ शब्द सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लाइए मेरे भाई। तो माय फादर इन लॉ हु लिव नहीं, यहाँ पे आएगा हु लिव्स, माय फादर इन लॉ हु लिव्स। हाँ देखिए क्या है, क्या आएगा यहाँ पर, माई फादर इन लॉ हु लिव का यूज ना करके यहाँ पे हम करेंगे हु लिव्स। माई फादर इन लॉ हु और हु के बाद में लिव्स, और ये लिव्स किसके अकॉर्डिंग आया, माई फादर इन लॉ के अकॉर्डिंग आया। लिव्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं, हैज कम टू स्टे विद अस, वो हमारे साथ रहने आए हैं। ठीक है, तो माई फादर इन लॉ सिंगुलर है, तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था। अगला, ईच गर्ल, ईच एवरी वाला सेंटेंस फिर से आ गया। ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स, प्रत्येक लड़की, वॉज गिवन को दिया गया अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक, विच प्लीज्ड, जिससे, किससे, उस बंच से, प्लीज्ड देम, किसे, उन लड़कियों को। ईच गर्ल का मतलब बहुत सारी लड़कियां होंगी, ईच गर्ल का मतलब था कि कई लड़कियां होंगी और उनमें से ईच को, यानी प्रत्येक लड़की को बंच ऑफ फ्लावर्स दिया गया। विच, जिस वंच ने प्लीज्ड किया, खुश किया, प्रसन्न किया, देम, देम का मतलब इन सब को, देम यहाँ पे इसलिए आ रहा है, आप ईच गर्ल को सिंगुलर मान के यहाँ पे ये ना कहिए कि यहाँ पे हर का यूज होना चाहिए। ईच गर्ल का मतलब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होंगी, उसमें से ईच यानी प्रत्येक को दिया गया, जिससे कि वो सभी प्रसन्न हुई, प्लीज्ड देम वेरी मच, यानी ये सेंटेंस भी 100% सही है, यानी पार्ट फाइव इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसा है, नो एरर वाला सेंटेंस है, नो एरर वाला, नो एरर। ठीक, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। विनय वाज हैप्पी, विनय बहुत प्रसन्न था, दैट मुकेश, विनय किस बात को लेके प्रसन्न था, यहाँ बात, यहाँ तक कोई एरर नहीं। दैट की, किस लिए प्रसन्न था, मुकेश एंड हिज सिस्टर, मुकेश एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग। अब समझिएगा कि मुकेश है एंड हिज सिस्टर है, तो दो लोग नहीं हो गए, मुकेश एंड हिज सिस्टर दो लोग नहीं हो गए। अगर दो लोग हैं तो वाज कैसे आ जाएगा, अगर दो लोग हैं तो वर का यूज क्यों नहीं हो जाएगा।
ठीक, दो लोग हैं तो वर का यूज करो यहां पर। विनय वाज हैप्पी, विनय खुश था। दैट इसलिए कि मुकेश एंड हिज सिस्टर, कि मुकेश और उसकी बहन वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन, मुकेश और उसकी बहन दोनों एक ही ट्रेन में जा रहे थे नेक्स्ट डे, अगले दिन। ठीक, तो इसलिए विनय हैप्पी था। तो मुकेश एंड हिज सिस्टर के बाद में वर का यूज होगा, ना कि वाज, क्योंकि मुकेश एंड हिज सिस्टर दो लोग हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं, तो वर भी प्लूरल यानी वर। नेक्स्ट, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ ठक्कर कमीशन। डिस्क्लोजर जो था सिनॉप्सिस का, किसकी, ठक्कर कमीशन की जो सिनॉप्सिस रिपोर्ट थी उसके डिस्क्लोजर, यानी सब्जेक्ट क्या है, समझिएगा, बात बहुत लंबी है लेकिन सब्जेक्ट केवल इतना ही है। डिस्क्लोजर किसका, डिस्क्लोजर सिनॉप्सिस का, किसकी सिनॉप्सिस का, ठक्कर कमीशन रिपोर्ट की सिनॉप्सिस का जो डिस्क्लोजर, ऑन द असेसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी, जो मिसेस गांधी की जो हत्या की गई थी, तो उस पर जो कमेटी गठित हुई, उसने, कमीशन गठित हुआ, उसने रिपोर्ट दी, उस जो सिनॉप्सिस का डिस्क्लोजर था वो आपका है सब्जेक्ट। तो डिस्क्लोजर तो भाई सिंगुलर होता है, तो सब्जेक्ट तो आपका हो गया है सिंगुलर, सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर। अब इसके लिए जो वर्ब आई है, देखो वो वर्ब यहाँ पर आई है, वर्ब कहाँ है, वर्ब ये रही, देखो। ठीक, वर्ब क्या है, वर्ब आपकी यहाँ है, और वर्ब दी, डिस्क्लोजर सिंगुलर है, वर्ब यहाँ पे दी है प्लूरल, पढ़ के देख लीजिए। द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी हैव रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए। यानी किसने, डिस्क्लोजर ने, तो डिस्क्लोजर हैव नहीं करता है, डिस्क्लोजर हैज करता हैज रेज्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर हैज रेज्ड, डिस्क्लोजर हैज रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड। अब आपको नियम बताया था, ध्यान कर लीजिए फिर से, विथ, अलोंग विथ, अलोंग विथ और टुगेदर विथ, विथ अलोंग विथ और टुगेदर विथ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इनके पहले और बाद में दो शब्द यूज होते हैं। तो विथ, अलोंग विथ और टुगेदर विथ के जो पहले सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ये बात आपको बता चुके हैं और फिर से ध्यान कर लीजिए। तो माई सिस्टर इन लॉ, जो सिस्टर इन लॉ है ना मेरी, विथ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ, विथ हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई, वर प्रेजेंट। अब वो सिस्टर इन लॉ और हस्बैंड दोनों को गिन लिया गलती से यहाँ पे सेंटेंस, इसलिए इन्होंने वर लगा दिया और ये गलत हो गया। जबकि नियम यह है कि विथ के साथ विद वाला कोई सेंटेंस हो, या अलॉन्ग विद वाला हो, या टुगेदर विद वाला हो, इसमें इन शब्दों से पहले जो शब्द होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, और पहले दिया गया है सिस्टर इन लॉ, यानी कि सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी होनी चाहिए, वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, यानी वो होनी चाहिए वाज। क्या होगा, वाज। माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक, मेरी सिस्टर इन लॉ अपने हस्बैंड के साथ प्रेजेंट थी, प्रेजेंट थे नहीं, प्रेजेंट था नहीं, माई सिस्टर इन लॉ प्रेजेंट थी अपने हस्बैंड के साथ, तो सिस्टर इन लॉ या इस सेंटेंस में मेन हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग वॉज का यूज होगा एट द फंक्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी संख्या, वो लोग नहीं उनकी संख्या, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, अप्लाई करने वालों की, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, उन लोगों की संख्या की बात हो रही, वर सो लार्ज, जो इतने ज्यादा थे नहीं, वाज सो लार्ज, नंबर ऑफ पीपल वाज, लोगों की जो संख्या थी इतनी ज्यादा थी, इतनी बड़ी थी यानी सिंगुलर, द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या वाज सो लार्ज, इतनी ज्यादा थी, दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप, कि कॉलेज को स्टॉप करना पड़ गया इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ही इशू करना कॉलेज ने बंद कर दिया, इतना ज्यादा संख्या थी। ठीक, तो द नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे नंबर ऑफ जैसा हो कभी भी, तो वहां पर हम लोग सिंगुलर समझते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं वाज। ठीक, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके क्वेश्चन को समझ लीजिए,
उसकी एक्सप्लेनेशन फिर से सुन लीजिए। जो दोनों पार्ट आपको पढ़ाए गए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, पार्ट वन पार्ट टू, उन दोनों को वॉच कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद में फिर से आइए इस वीडियो पर, एक्सरसाइज कीजिए और आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक जो है एकदम कंप्लीट है। और यही थे आज के लिए इस प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन रहे होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में किसी अच्छे से अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।